हेलो बच्चा लोग, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू नेहा एकेडमी। सो आज हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एनसीईआरटी बायोलॉजी, जिसमें हम फोकस करने वाले हैं 100% ऑन एनसीईआरटी। राइट, अब जैसे देख, जनरलाइज रहता है कि 70 to 80% एनसीईआरटी से आता ही आता है बायोलॉजी में, बट लास्ट अगर हम 2-3 सालों की बात करें तो 100% कंटेंट एनसीईआरटी का बेस रख के ही आया है। इतना इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी। सो क्यों ना हम इसको प्रॉपरली समझ ले, इसके जो कीवर्ड्स हैं जिसपे क्वेश्चंस आते हैं उसके कंसेप्ट्स क्लियर कर ले। बिकॉज वंस यू मास्टर एनसीईआरटी, मेन जो बेस है कंटेंट का वो अपने फर्म ग्रिप में आ जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो जो बच्चे बहुत लेट रियलाइज करते हैं। ओके, सो अभी भी टाइम है अपने पास, सो दैट वंस वी अंडरस्टैंड एनसीईआरटी एंड गेट वेल वर्स्ड विद इट, थिंग्स बिकम ईजी एंड देन यू आर फ्री टू स्टडी दी एक्स्ट्रा कंटेंट, दैट इज फॉर हायर ऑर्डर थिंग। राइट, बेस एनसीईआरटी का जिसका क्लियर है उसको आराम से 330, 340+ एंड परफेक्ट जिसका हो गया, आई कैन अश्योर यू उसको 360 और 360 भी बायो में आ सकते हैं। ओके, सो अलग से वी हैव मेड अ प्लेलिस्ट फॉर एनसीईआरटी। वी आर स्टार्टिंग विथ जूलॉजी फॉलोड बाय बॉटनी ऑल्सो। ओके, सो 11th का जूलॉजी का चैप्टर पहला यही है, एनिमल किंगडम। सो शुरू करते हैं विथ दिस चैप्टर। यहाँ हम क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आए हुए हैं एज इट इज़ फ्रॉम एनसीईआरटी एंड द प्रोबेबल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, चांसेस है कि इस पे क्वेश्चन फ्रेम हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो ओवरऑल इसका वेटेज जो है 1 to 3 क्वेश्चन से रेंज करता है। एट टाइम्स नीट में एक ही क्वेश्चन आया हुआ है या फिर मैक्सिमम आए हुए क्वेश्चन है 3। ओके, सो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है बट मैंडेटरी क्वेश्चन आता ही आता है एनिमल किंगडम, इस साल भी आया था। राइट, सो पहला तो पैराग्राफ इंट्रोड्यूस कर रहा है मेन थिंग, द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इतने डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स है इन दी लिविंग वर्ल्ड दैट देर इज़ अ नीड टू डिफ्रेंशिएट देम। राइट, सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मोटिव क्या है, वाई वी शुड गो फॉर इट, दैट डिफरेंसेस तो है बट सर्टेन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स भी है। तो वही कॉमन चीज़ें, वही कंसेप्ट हमें देखने हैं विच विल डिवाइड दीज एनिमल्स इंटू डिफरेंट डिफरेंट फाइलम्स, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस, जीनस, स्पीशीज। ओके, तो वही जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स हुए, बॉडी सिमेट्री हुआ, राइट, सिलोम हुआ, सिलोम क्या है, एवरीथिंग इज मेंशनड इन एनसीईआरटी। सो एक एक करके हमें देखना है। सो बिफोर वी स्टार्ट, यू आर वेल वर्स्ड विद दी हेडिंग्स, लाइक इफ अगर हम एनिमल किंगडम की बात करें तो सबसे बड़ा क्या है, इट्स दी किंगडम। राइट, सो इट्स दी किंगडम फर्स्ट, विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनिजम्स, किंगडम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरलाइज टर्म्स, नॉट दी डिटेल्स, ऑर्डर, सब ऑर्डर वो सब नहीं। किंगडम के बाद छोटा कौन है, दी फाइलम, आफ्टर फाइलम विल कम क्लास, देन जीनस एंड देन दी स्पीशीज। सो ऑन वॉट बेसिस यू विल पुट एनी ऑर्गेनिज्म अंडर अ किंगडम, लाइक वाई एनिमल किंगडम, दे उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे। Why under this specific phylum only? Why not that? तो देर इज़ अ बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, वो हमें समझना है। ये हर एक का जस्टिफिकेशन हमें मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ वॉट, हाउ वी क्लासीफाई दी एनिमल्स। ओके, सो पहला जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कौन है, वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझने से पहले इमीडिएटली हमें याद होना चाहिए विच इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। राइट, सेल कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स वॉट, सेल से
ये एक साथ आके क्या बनाते हैं? टिश्यू। टिश्यू कम्स टुगेदर एंड फॉर्म्स व्हाट? ऑर्गन। ऑर्गन्स कम टुगेदर एंड फॉर्म व्हाट? ऑर्गन सिस्टम। एंड अल्टीमेटली क्या बनता है? दी ऑर्गेनिज्म। राइट, तो कोई भी एग्जाम्पल ले लो वो फिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू टेक दी न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। टिश्यू क्या होगा? नर्वस सिस्टम। ऑर्गन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑर्गन सिस्टम नर्वस सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? द होल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में बेस इन्हीं टर्म्स का है। ओके, सो एक एक देखते हैं। ऑफ कोर्स एनिमल्स आर व्हाट? मल्टी सेलुलर। सेम पैटर्न नहीं है। सबसे पहला पैटर्न क्या याद रखना है? सेलुलर। एंड उसका क्लासिकल एग्जाम्पल भी यहीं पे दिया हुआ है, वो है स्पॉन्जेस। ओके, स्पॉन्जेस शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सेल्स ही है जो डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ ये जो लाइन है, डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटी अकरिंग अमंग सेल्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इट इज सीन अंडर विच हेडिंग? सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेम, तो आंसर विल बी व्हाट? सेल्युलर लेवल। राइट, नाउ सिलेंट्रेट्स में अरेंजमेंट सेल्युलर है क्या? नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहाँ उसके आगे वाला कंसेप्ट है, दैट इज द टिश्यू लेवल। ओके, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो एग्जाम्पल तुरंत यहीं पे दिए हुए हैं। वी ऑलवेज साइडलाइन दिस छोटी छोटी चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सीन इन सिलेंट्रिक्स। उसके बाद कौन सा लेवल है? उसके बाद है ऑर्गन लेवल। एंड ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय हु? बाय प्लैटीहेलमिंथेस। ओके, इमीडिएटली यहीं पे द फर्स्ट पैराग्राफ ओनली देर आर थ्री क्वेश्चंस विच कैन बी फ्रेम्ड, राइट। एंड आगे किसकी बात हो रही है? लाइक फर्दर इफ यू टॉक अबाउट द हायर ऑर्डर एनिमल्स, दे विल हैव व्हाट? दे विल हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, राइट। ऑर्गन सिस्टम लेवल जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जैसे हमने अभी देखा, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ये सब का बेस यही है। तो उसमें एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म, कॉर्डेट्स, ये सब आगे है। सो इंटरेस्टिंगली एक फाइलम छूट गया है, वो है एस्केलमेंथिस, जो प्लैटीहेलमिंथिस के ही बाद है। वो कहाँ बिलोंग करता है? मेंशन्ड नहीं है, तो यहीं पे याद रखो, इट शोज ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओके, सो दैट वॉज अबाउट व्हाट? दैट वॉज अबाउट दी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी मेंशन्ड है। ओके ओके, सो फर्दर क्या दिया हुआ है? नाउ तुरंत इसमें कंसेप्ट चेंज करके इसी में ऐड कर दिया है। अगर हम वीडियोस में देखेंगे तो हर एक का सेक्शनिंग अलग है, बट यहाँ इन्होंने क्या किया है कि एक ही पैराग्राफ में आगे की भी जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ऐड कर दिए। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लैटीहेलमिंथिस में कैसा है? सिंगल ओपनिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी दैट सर्व्स एज बोथ माउथ एंड एनस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं इट इज, हेंस इट इज इनकम्प्लीट। ओके, सो कंप्लीट का क्या है डेफिनेशन? कंप्लीट इज व्हाट? सो व्हाट इज कंप्लीट? टू ओपनिंग्स, माउथ एंड एनस आर सेपरेट। अब हो गया ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो तुरंत यहाँ सर्कुलेटरी भी दे रखा है। ओके, सो इमीडिएटली सर्कुलेटरी इज ऑल्सो मेंशन। सो सर्कुलेटरी में क्या कंसेप्ट है? देर आर टू टाइप्स दैट मेंशन, दिस ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। सो ओपन टाइप में क्या है? ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेथ्ड इन इट। ये बेथिंग जो वर्ड है वो क्वेश्चन में आया हुआ है। ओके, सो देयर इज एन एमसीक्यू फ्रेम्ड हियर कि इन विच टाइप द सेल्स एंड टिश्यूज आर डायरेक्टली बेथ्ड इन ब्लड। सो दैट्स द ओपन टाइप। क्लोज में क्या होगा? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू
वेसल्स। ओके, सो इस कंसेप्ट पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट, जिसमें दो तीन कंसेप्ट उन्होंने एडअप कर दिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट इज, द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ सिमेट्री। ओके, सिमेट्री, नाउ सिमेट्री में देर आर थ्री बेसिक टाइप्स ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री इज व्हाट, कि अगर हम किसी भी एनिमल को किसी प्लेन में डिवाइड करने की कोशिश करें तो वी शुड गेट टू इक्वल हाफ्स। ओके, प्लेन इज व्हाट, सीधे देखो, साइड से देखो, डायगनली देखो, दीज आर डिफरेंट प्लेन्स। सो अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन में देखें फिर भी वी आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट इट इनटू टू इक्वल हाफ, दोज आर टर्म्ड एज एसिमेट्रिकल। सी, एंड उसका क्लासिकल एग्जाम्पल भी तुरंत दे रखा है, जो है स्पॉन्जिस। सो एनी प्लेन दैट पासिस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इंटू इक्वल हाफ, डज नॉट। ओके, फिर उसका एग्जैक्ट अपोजिट कौन है, रेडियल सिमेट्री। सो रेडियल क्या है, हम वो एनिमल को किसी भी प्लेन में देखें तो वी कैन डिवाइड इट इंटू टू इक्वल हाफ। ओके, सो वो रहा अपना कौन, जैसे यहाँ डायग्रामेटिक एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑफ क्रैब जो था वो बायलैटरल है और रेडियल का यहीं पे दिया हुआ है। ओके, सो दैट इज रेडियल, मीन्स यू सी दिस ऑक्टोपस इन एनी प्लेन स्टिल यू कैन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ। सामने से देखो, साइड से देखो, डायगनली देखो, यू आर एबल टू डिवाइड इट, दैट इज रेडियल। नाउ इसमें भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है, दोज आर दी सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड दी इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आगे उस फाइलम में मेंशनड है। सो इन सब पे भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है विच शो रेडियल सिमेट्री। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट, द लास्ट, दैट इज बायलैटरल। ओके, सो बायलैटरल में कैसे, हम सिर्फ एक ही प्लेन में देख सकते हैं, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट में मिलेंगे बट ओनली वन प्लेन। ओके, सो दैट इज बायलैटरल सिमेट्री, सी ओनली वन प्लेन, लाइक अस व्हेन यू सी इंडिविजुअल्स, व्हेन वी सी ह्यूमंस, सिर्फ सामने से ही हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू राइट एंड लेफ्ट, राइट। साइड से देखेंगे तो एक साइड फेस आएगा, एक साइड पीछे बाल आएंगे, यू कैन नॉट डिवाइड। And always remember, when they are talking about symmetry, they are always talking about the external features. They are not talking about internal features. अगर internal features की बात करेंगे तो हम सब लोग क्या रहेंगे, asymmetrical. Because एक साइड लिवर है, एक साइड पैनक्रिया है, so we are no organism will be ever symmetrical. So only external features are taken into consideration. Okay, so that is symmetry. Next is the organisms being diploblastic or triploblastic. Okay, so naam mein hi samajh raha hai, diplo ka matlab hai 2, triplo ka matlab hai 3. So blastic is related to the cell layers. So animals jisme दो ही सेल लेयर्स है तो कौन से, एम्ब्रियोनिक। अब एम्ब्रियोनिक तुरंत हमें जर्म लेयर्स याद आने चाहिए, सो विच आर द जर्म लेयर्स, इट इज दी, सी हियर इट इज मेंशन, एक्टोडर्म, बीच वाला है मीजोडर्म एंड सबसे अंदर है एंडोडर्म, राइट। आउटर इज एक्टोडर्म, बीच वाला मीजोडर्म और सबसे अंदर है एंडोडर्म। ओके, राइट, सो दैट इज दी, दोज आर दी जर्म लेयर्स। तो अगर ऑर्गेनिज्म में दो ही जर्म लेयर्स है तो इट विल बी टर्म्ड व्हाट, इट विल बी टर्म्ड एज एक्टोडर्म, एंडोडर्म है तो इट विल बी टर्म्ड एज डिप्लोब्लास्टिक। तुरंत एग्जाम्पल दिए, ऑलवेज रिमेंबर, यहीं पे ये छोटी छोटी लाइनें होती है जिसपे ये लोग क्वेश्चन फ्रेम करते थे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्या है, इनमें अगर मीजोडर्म नहीं है तो क्या है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, देयर इज अ क्वेश्चन विच इज कम, इंस्टेड ऑफ मीजोडर्म व्हाट इज प्रेजेंट। ओके, सो दैट वाज डिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लो में क्या है,
तीसरा लेयर होगा, कौन सा है वो? मीजोडर्म। ओके, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में जनरलाइज याद रखना है, फ्रॉम प्लेटियल मेंटिस टू कॉर्डेट्स सब क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, नेक्स्ट क्या है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेसिस जो है वो है सिलोम। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले तो समझना चाहिए सिलोम क्या है। ओके, सो इट्स अ बॉडी कैविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइंड बाय मेसोडर्म इज सिलोम। कोई भी बॉडी कैविटी नहीं, ओके, द बॉडी कैविटी लाइंड बाय सिलोम। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है इस एज इट इज लाइन पे। जिनके पास सिलोम है उनको क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे सिलोमेट। ऑल्सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज यू सिलोमेट, राइट? किसी भी टर्म से पहले यू लग जाता है मीन्स इट इज ट्रू। तो इन्होंने एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एनलिडा, मलुस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्म्स, हेमीकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो बेसिकली एनलिडा से आगे सबके पास क्या है? सिलोम है। नाउ ये हुआ आइडियल डायग्राम ऑफ सिलोम। सी दिस इज द कैविटी, ये है कैविटी, राइट? एंड लाइनिंग देखो किसकी है, ये कौन है, ये कौन है? ये मीजोडर्म है। सो द कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म इज द सिलोम। नाउ इफ यू सी हियर, आगे क्या मेंशन है? कैविटी है बट इट इज नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इंस्टेड क्या है? मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म एज इट इज लाइन पे। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, स्कैटर्ड पाउचेस में प्रेजेंट है। सी हियर दीज आर दी स्कैटर्ड पाउचेस, जिसमें ये मीजोडर्मल लाइनिंग है, ऐसे यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे पाउचेस है। सो दोज एनिमल्स विल बी टर्म्ड एज सूडो सिलोमेट। सूडो का क्या मतलब है? सूडो का मतलब है फॉल्स, फॉल्स सिलोम होना। क्लासिकल एग्जाम्पल है एस्केल्मेंथिस, जिसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सो यू सी छोटे छोटे ही पैराग्राफ्स है। अगर हम एनिमल किंगडम की वीडियोस की बात करें तो दे आर वेरी लॉन्ग वीडियोस, वेरी मच इन डिटेलिंग इट इज़ बीन सीन। बट वेन यू सी एनसीईआरटी यू विल लाइक, अरे कितना कम दिया हुआ है, बट ये भी यू फेल टू कम्प्लीटली रीड एंड मेमोराइज एंड देर यू फॉल शॉर्ट ऑफ रिमेंबरिंग इट, राइट? सी स्मॉल स्मॉल थिंग्स इज अ नीट क्वेश्चन विच इज़ कम। सुडोसिलोमेट्स कौन है? दो सारी एस्केल्मेंटिस, एंड जिनमें एबसेंट ही है तो उनको हम क्या बोलेंगे? एसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स प्लैटीहेल्मिंथिस। नाउ यू विल सी दैट इससे पहले वालों को एसिलोमेट्स कंसिडर क्यों नहीं किया है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इससे पहले है भी नहीं, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। सो एटलीस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होने चाहिए, देन यू कैन कंसिडर देम एज आइदर दे हैव सिलोम और दे डोंट हैव सिलोम। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहाँ से शुरू होते हैं? फ्लैटी। इसीलिए एसिलोमेट्स किसको बोल रहे हैं हम? फ्लैटी को बोल रहे, नॉट द पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा नॉर टीनोफोर। ओके, सो इट्स अ गुड कंसेप्ट, इस पर ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं या बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वॉट द कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। ओके, नाउ सेगमेंटेशन मेयरली हमें समझ में आता है कि हाँ सेगमेंटेशन इज वॉट सेगमेंट्स होंगे, राइट? बट हियर इज द लाइन, बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स। ये जो वर्ड है ना इंटरनल, ये स्किप हो जाता है। इसमें फिर ऑप्शंस देते हैं, सेगमेंट्स आर प्रेजेंट एक्सटर्नली ओनली, इंटरनली ओनली, बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली। सो दिस इज अ ट्रिकी कंसेप्ट जो मिस आउट होता है, ट्रिकी है नहीं, मिस आउट होने की वजह से आंसर नहीं कर पाते। ओके, रेपिटेटिव होते हैं, इट इज़ अंडरस्टूड। क्लासिकल एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, दैट इज अर्थवर्म। सो सेगमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामर्स, इसीलिए इसको और क्या बोलते हैं? मेटामेरिस। ओके, तो ये कंसेप्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन जो ऐसे ट्रिकी फ्रेम होता नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट नोटोकॉर्ड। नाउ नोटोकॉर्ड क्या है?
और कहाँ से डिराइव हुआ है, इस पे नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्यों आया है, सी इट इज रिटन हियर, मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मड ऑन विच साइड, डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ एनिमल्स, हियर फॉर्म्स टू क्वेश्चन, मेसोडर्मली डिराइव्ड एंड कहाँ रहता है, डॉर्सल साइड, डॉर्सल वेंट्रल, अपना डॉर्सल क्या है, बैक साइड, अपना वर्टेब्रल कॉलम कहाँ है, बैक साइड, अपना नोटोकॉर्ड कहाँ था, डेवलपमेंटल स्टेज में, बैक साइड, ओके। सो विथ नोटोकॉर्ड दे आर कॉल्ड कॉर्डेट्स, जिनके पास नहीं है वो है नॉन कॉर्डेट्स, जो पहले हमें देखने हैं, वो कौन कौन है, पॉरीफेरा से लेके इकाइनोडर्म्स तक। अब यहाँ पॉरीफेरा से इकाइनोडर्म्स तक ही दिया है, क्यों, क्योंकि नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर इनसे ऑलमोस्ट नोटोकॉर्ड इज वेर इन हेमिकॉर्डेट्स, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ नहीं है, एंड पहले हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेट्स में ही था, रिसेंटली उसको नॉन कॉर्डेट्स में डाल दिया है, ओके। सो दैट वॉज अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब एक टेबल दिया हुआ है ब्रॉड क्लासिफिकेशन, जो है टेबल में समझना है हमें। तो सेम चीज़ें हमने जो देखी हुई है, उन्होंने सिर्फ विथ फाइलम्स मेंशन किया हुआ है, जस्ट मेंशन विथ फाइलम। सो मल्टी सेलुलर है, बेसिक चीज़ है, बट हमें याद रखना है सिमेट्री अलग अलग हो सकती है। सो सिलोमेट्स की बेसिस पे इनको अलग अलग किया हुआ है, फॉल्स सिलोम एंड ट्रू सिलोम, ये बाकी सब है। इकाइनोडर्माटा को स्टार मार्क क्यों किया है, ये स्टार मार्क पे ही क्वेश्चन है। इट एग्जिबिट्स रेडियल और बायलैटरल डिपेंडिंग अपॉन स्टेज, स्टेज मीन्स उसका जो लार्वल स्टेज है वो अलग सिमेट्री दिखाता है, एंड उसका जो एडल्ट स्टेज है वो अलग सिमेट्री दिखाता है। दिस इज़ द रीज़न इन्होंने ये मेंशन किया है, और मेंशन इसीलिए किया है कि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। सो नाउ फाइलम टू फाइलम हमें बात करनी है, तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद फाइलम पॉरीफेरा, ओके। सो दैट्स द फर्स्ट फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा कॉमनली नोन एज व्हाट, बेसिक क्वेश्चन आया हुआ है, राइट। जनरली दीज आर मरीन। अब इसमें क्या हो गया है, दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए थे, या है भी बोल सकते हैं। पेरीफेरा का हैबिटेट एक्वेटिक है, ठीक है, हम याद रख सकते हैं, बट एक प्रॉब्लम आ जाती है, एक्सक्लूसिवली मरीन है क्या ये लोग, ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम्ड है, एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्ज पे क्वेश्चन है, दैट इज शोइंग कि दोनों तरीके के हैबिटेट में ये रहता है, बट जनरली क्या है, जनरली मरीन है, ठीक है। तुरंत इन्होंने फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का मेंशनिंग भी नहीं किया है, डायरेक्ट लास्ट में किया है। सो कंसिडरिंग ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे अगर क्वेश्चन आए जो हमें अपना कंसेप्ट को चैलेंज करे, तो इसमें ऑलवेज गो फॉर दी ऑप्शंस, ऑप्शन पॉइंट ऑफ व्यू आंसर करना सीखना होगा जब कंसेप्ट को चैलेंज करने वाले क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। सो जनरली मरीन है ही याद रखना है, अगर उनको फ्रेश वाटर के बारे में पूछना है तो वो स्पेसिफिकली वो इकलौता एग्जाम्पल जो है यहाँ वो मेंशन करेंगे, ओके। सो ज़्यादातर मेजॉरिटी मेनली ऐसे क्वेश्चंस आए तो यू हैव टू गो फॉर दे बी मरीन, ओके। सो नेक्स्ट है सिमेट्री, सिमेट्री पे भी क्वेश्चन है, एसिमेट्रिकल है, ओके ना, एक एक्सेप्शन है, ये एडिशनल है, जो रेडियल सिमेट्री दिखाता है, दैट इज ल्यूकोसोलेनिया, इट शोज रेडियल सिमेट्री। अभी अकेला है, मान लो इसमें 5,000 to 6,000 स्पीशीज है, उसमें अकेले एक्सेप्शन की वजह से इसका ये चेंज नहीं होगा सिमेट्री, सो जनरलाइज एसिमेट्रिकल ही याद रखना है, ओके। प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, इनका है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नाउ आता है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, सी इट हैज़ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनल सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से बनते हैं न्यू न्यू पॉइंट्स, इस पर नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ओपनिंग्स,
ऑस्टिया, एग्जिट ऑस्किल। अब इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं, कौन फ्यू है और कौन सिंगल है। तो ऑस्टिया क्या है, दीज आर माइन्यूट पोर्स, तो ये बहुत सारे हैं, और ऑस्किलम क्या है, एक सिंगल एग्जिट है, कौन ऑस्किलम। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके नाउ, हर एक फाइलम के पास अपने कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है, तो यहाँ तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है दी गुआनोसाइट्स। नाउ इस पे क्वेश्चन आया, इसके उसका दूसरा नाम क्या है, क्वेश्चन एमसीक्यू नीट क्वेश्चन आया हुआ। सो दोज आर दी कॉलर सेल्स। ओके, बॉडी कैविटी का नाम क्या है, उस पे भी देयर इज एन एमसीक्यू। सो एज यू कैन सी, एक एक लाइन सिर्फ हमने पढ़ ली दो तीन बारी रिवीजन में, फर्स्ट टाइम एंड आफ्टर दैट रिवीजन आवर जॉब इज डन, इट इज सिंपल। प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी का जो इंग्लिश फ्रेमिंग है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इफ़ यू कंपेयर इट विद एचएससी बोर्ड्स बुक, एचएससी बोर्ड बुक पढ़ना इजी है, इट्स कलरफुल, इट्स गिवन इन पैराग्राफ, इट्स सेग्रीगेटेड, बट उसमें से नीट में क्वेश्चन नहीं आते। कहाँ से आते, यहीं से आते। सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद एनसीईआरटी। ओके नाउ नेक्स्ट गिवन इज डाइजेशन, अगेन नीट क्वेश्चन आस, यू वोंट बिलीव, यू कैन इवन क्रॉस चेक, ये सब क्वेश्चंस राइट, ये सब पूछे हुए हैं। नाउ नाउ बेस्ड ऑन इट्स स्केलेटन ओनली, इसका क्लासिफिकेशन है। सो स्केलेटन कैसे कैसे हो सकते हैं, इट इज मेंशन स्केलेटन। नाउ स्केलेटन, यहाँ सिर्फ स्केलेटन मेंशनड है, रिमेंबर ये जो स्केलेटन है ये एक्सो नहीं है, एंडोस्केलेटन है, इनसाइड राइट। जैसे अपना एंडोस्केलेटन क्या है, बोन, वैसे इनका ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके तो कौन से है, आइदर स्पिक्यूल्स है, स्पॉन्जिन फाइबर्स है, या फिर और एक चीज़ है जो यहाँ मेंशन्ड नहीं है, या फिर है सिलिका। स्पिक्यूल किसके हैं, स्पिक्यूल बने हुए हैं कैल्शियम के। ओके सो डिपेंडिंग अपॉन दैट इसका क्लासिफिकेशन है। जो देखो अभी हम एनसीईआरटी देख रहे हैं इसलिए हम क्लासिफिकेशन नहीं देख रहे, क्लासिफिकेशन के लिए यू कैन सी द वीडियोस राइट, जो मेरे वीडियोस है नेहा एकेडमी में, उसमें सारा डिटेलिंग मेंशनड है। बट हियर व्हेन वी आर स्टिकिंग एक्सक्लूसिवली टू एनसीईआरटी, यू वोंट सी दी वेरी एडिशनल पार्ट्स। जैसे यहाँ ल्यूकोसिलेनिया वॉज वन कंसेप्ट, सो इट इज़ मेंशनड हियर ओनली, बट वन क्लासिफिकेशन वी आर टॉकिंग, इट्स लेंथी एंड नॉट देयर इन एनसीईआरटी, सो वी वोंट सी इट हियर इन दिस सेक्शन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली एनसीईआरटी। ओके और सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट क्वेश्चन आया हुआ है इस पे नीट में कि फाइलम पोरिफेरा में कैसा है, अब आधे बाइसेक्सुअल और दे आर यूनिसेक्सुअल, सो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रेजेंट इन दी सेम ऑर्गेनिज्म, इसी का मतलब है बीइंग हर्माफ्रोडाइट। ओके सो एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द सेम, वही समझाया है। दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, एसेक्सुअली बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय गैमेट्स। अब इसमें फर्टिलाइजेशन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, फर्टिलाइजेशन सब अंदर ही हो रहा है, सो फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो इंटरनल, बट डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है, विच स्टेज इज सीन, दी लार्वल स्टेज विल बी सीन, एंड द लार्वल स्टेज इज इट सिमिलर और फेमिलियर टू दी पेरेंट, नो, इसमें ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे तब जाके वो पेरेंट जैसा दिखेगा। ओके सो सी लार्वल स्टेज होती है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट, अलग दिखते हैं। नाउ एंड में कैसे कंक्लूड करते हैं, इन्होंने अलग अलग एग्जाम, सी क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए रहते हैं, किसी किसी के डायग्राम रहते, सब हमें याद रखने हैं। ओके सो फ्यू एग्जाम्पल, यहाँ तो रिप्यूटेड है साइकिल, यू स्पॉन्जिया स्पॉन्जिला, वर्स्ट सिनेरियो इन डायग्राम्स भी देते हैं बिकॉज दे आर देयर इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में है तो दे हैव द राइट टू गिव दोज डायग्राम एंड आस्क। तो पहला कौन है, साइकिल है, द ब्रॉडर वन इज यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज जैसा दिखता है, पाथ स्पॉन्ज इसका नाम है इसीलिए, एंड द लास्ट इज स्पॉन्जिला। ओके सो आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स।
एग्जाम्पल्स यहाँ कम है, अगर हम एडिशनल एग्जाम्पल्स देखें तो ऑलमोस्ट 10 हो जाते हैं एग्जाम्पल्स पॉरीफेरा, बट हियर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी, साइकन, दूसरा दूसरा नाम दिया है साइफा। अब दिस इज स्पॉन्जिला, द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। डायरेक्ट इनको अगर फ्रेश वाटर की बात करनी है तो इस पर डायरेक्ट एमसीक्यू आया हुआ है। ओके, जनरलाइज वो मरीन है, ऐसे याद रखना है। यूस्पॉन्जिया का दूसरा नाम पे भी नीट में सवाल आया हुआ है। ओके, व्हेन आई एम राइटिंग एमसीक्यू इट इज अंडरस्टूड हम नीट की बात कर रहे हैं। ओके, हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले वीडियोस में मेंशन है। ओके, सो दैट वाज अबाउट पोरीफेरा, पोरीफेरा का कंसेप्ट था। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज सिलेंट्रेटा। ओके, नाउ सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम जो है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसका जस्टिफिकेशन भी पूछा हुआ है कि क्यों इसको नाइडेरिया कहा जाता है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्स है उसकी वजह से कहा जाता है। सो ये भी एक्वेटिक है, मोस्टली मरीन है, इनके पास भी फ्रेश वाटर वाले लोग हैं। सो दीज आर सेसाइल और फ्री स्विमिंग। सेसाइल मीन्स व्हाट? अटैच्ड। जैसे ये है हाइड्रा, इट इज अटैच टू द, व्हाट इज दिस वर्ड कॉल्ड, अटैच टू व्हाट? इट इज अटैच टू सबस्ट्रेट, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेट। ओके, सो नाउ द नेम निडेरिया क्यों दिया हुआ है? इट इज डिराइव्ड क्यों? इनके पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर दे कॉल्ड दी नाइडोब्लास्ट और नाइडोसाइट्स। ये सेल्स है जिनके अंदर क्या है, कैप्सूल, बट कैसे? द स्टिंगिंग कैप्सूल, जो स्टिंग करते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, एंड दैट कैप्सूल आर दी नेमाटोसाइट्स और नेमाटोसिस्ट। ओके, कहाँ प्रेजेंट है? टेंटेकल्स, इट इज अंडरस्टूड इनमें टेंटेकल्स है। ओके, सो नाइडोब्लास्ट किस किस फंक्शन के लिए यूज होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आया हुआ है। सो सी हियर इट इज मेंशन, एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर ऑफ प्रे, नाइडोब्लास्ट का काम है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल है। कैसे है ये? डिप्लोब्लास्टिक। इनके पास भी सेंट्रल कैविटी है, जैसे वहाँ स्पॉन्जोसील था, यहाँ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। ओपनिंग है माउथ ऑन हाइपोस्टोम। अब हाइपोस्टोम कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइपोस्टोम इज अ स्ट्रक्चर जो यहाँ डायग्राम में समझिएगा, दिस होल सर्कुलर पार्ट, दिस होल सर्कुलर पार्ट इज द हाइपोस्टोम, एंड वहाँ कौन एसोसिएटेड है? माउथ। सो इट इज माउथ ऑन हाइपोस्टोम। आगे बढ़ते हैं। सो माउथ ऑन हाइपोस्टोम। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो डाइजेशन है, इसमें नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, नीट क्वेश्चन, नीट क्वेश्चन विच हैज कम। स्पॉन्जेस में क्या था? सिर्फ इंट्रा था, यहाँ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा है। ओके, सो कुछ कोरल्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट का इनके पास स्केलेटन होता है। नाउ मेन क्या है इनका? पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। पॉलिप फॉर्म सेसाइल है, सिलेंड्रिकल है, उसका एग्जाम्पल है हाइड्रा एडेंसिया, और अम्ब्रेला शेप वाला कौन है? फ्री स्विमिंग ऑरेलिया और जेली फिश। ओके, इसका डायग्राम एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। दिस इज द पॉलिप, ये पॉलिप है और ये मेड्यूसा। ओके, सो टेंटेकल्स अप पॉलिप, टेंटेकल्स डाउन मेड्यूसा। ओके, सो ये जो ऑरेलिया है उसका दूसरे नाम पे नीट में क्वेश्चन है। ओके, सो ऑरेलिया इज व्हाट? जेलीफिश। नेक्स्ट इज, नाउ नेक्स्ट है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, द अदर वर्ड फॉर दैट इज मेटाजेनेसिस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? किसी भी निडारियन का, फॉर एग्जाम्पल जो क्लासिकल नीट वाला क्वेश्चन है ओबेलिया, तो ये जो ओबेलिया ऑर्गेनिज्म है ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है। देखो ये जो दिए है एग्जाम्पल हाइड्रा और जेलीफिश, उसकी बात नहीं हो रही है, ओबेलिया
दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, पॉलिप भी है फॉर्म में भी है, मेडूसा फॉर्म में भी अवेलेबल है। सो इसका जो पॉलिप वर्जन है ये रिप्रोड्यूस और प्रोड्यूस कर सकता है मेडूसा फॉर्म एसेक्सुअली, एंड मेडूसा फॉर्म प्रोड्यूस कर सकता है पॉलिप फॉर्म सेक्सुअली। नाउ ये लाइन कंफ्यूजिंग है बट बहुत बहुत स्पेसिफिक है, इसीलिए क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, एक तो एग्जाम्पल ऑफ मेटाजेनेसिस पूछा है, या फिर हु प्रोड्यूसेस व्हाट प्रोड्यूसेस व्हाट सेक्सुअली एंड व्हाट प्रोड्यूसेस व्हाट एसेक्सुअली, लाइक दैट क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। सो पॉलिप प्रोड्यूस करता है मेड्यूसा एसेक्सुअली, एंड मेड्यूसा टू पॉलिप उल्टा जो है दैट इज पॉसिबल सेक्सुअली। क्लासिकल एग्जाम्पल है ये ओबेलिया। ओके नाउ सबसे ज़्यादा अगर हम देखें एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू किसी फाइलम से क्वेश्चन आए हैं तो वो निडारिया ही है, ऐसा एक भी ऑप्शन छूटा नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया है, इट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट। ओके सो फाइसेलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, द जो ये फाइसेलिया होते हैं दे आर ग्रीन एंड दे आर सिमिलर टू द मिलिट्री कैप, तो ये जो अंडरग्राउंड आई मीन अंडर वाटर ये पोर्टुगीज वाले आदमी आते थे एंड ऊपर से ये फ्लोट करते हैं, सो दिख के नहीं आते थे, जस्ट टू हाइड एंड कम, सो दोज आर टर्म्ड एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। एडम्सिया सी एनिमोन, पेनाचिला सी पेन, अगर इसकी फोटोज देखेंगे तो एग्जैक्टली वाट आर दे द अदर नेम, सेम वैसे ही दिखते हैं, फैन लाइक दिखते हैं, लुक्स लाइक अ पेन, फेदर्ड पेन। मियांड्रिना ब्रेन कोरल, ब्रेन जैसे सलका है गायरा है जैसे होते हैं ब्रेन वैसे ही मियांड्रिना पे होते हैं। नाउ ये जो क्वेश्चन ये जो एग्जांपल्स है इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दे आर आस्किंग दी अदर नेम्स एंड टू इट इज मैच द फॉलोइंग। ओके मैच द फॉलोइंग में अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट दी अदर नेम्स एंड मैचिंग इट। ओके सो दिस पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम्पल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है निडारिया के। सो निडारिया में सेल्स इंपॉर्टेंट है, नेमाटोसिस्ट इंपॉर्टेंट है, और नेमाटोसाइट्स स्टिंगिंग कैप्सूल्स टेंटिकल्स ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसकी डिटेल में बात करें तो हाइड्रा के बारे में डिटेल है अपने पास वीडियोस में, नॉट इन NCERT इफ यू सी कि इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स मैंशनड नहीं है डिटेल में, एंड इफ़ यू सी नीट आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो दे आर नॉट इन डिटेल अबाउट इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स। इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछा है इसका दूसरा नाम बता दो, दैट्स इट। ओके सो नेक्स्ट इज द थर्ड फाइलम टीनोफोरा, कॉमन नाम पे नीट में क्वेश्चन वॉलनट्स कुंजलीस राइट, और नाम क्या है सी गूसबेरीज राइट, ये सारे नाम है। नाउ ये जो सेकेंड लाइन है इस पर नीट में क्वेश्चन है एक्सक्लूसिवली मरीन, अब इससे पहले क्या था कि हाँ है बट कुछ फ्री कुछ ये भी है फ्रेश वाटर में भी, जैसे स्पॉन्जिला था वहाँ, इधर निडारिया में हाइड्रा है वो फ्रेश वाटर है, बट हियर दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। नेक्स्ट इज दे आर रेडियली सिमेट्रिकल, वो भी थे निडारियंस भी है ये भी है, वो भी डिप्लोब्लास्टिक है ये भी डिप्लोब्लास्टिक है, उनमें भी टिश्यू लेवल इनमें भी टिश्यू लेवल। ओके अब इनमें एक्स्ट्रा या अलग क्या है, एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कोम प्लेट्स यहीं पे दिख रहे राइट, सी दीज एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलियरी कोम प्लेट्स की बात हो रही है, तो इनका खुद का एक्सक्लूसिव फीचर है इसीलिए क्वेश्चन आया हुआ है, दैट्स अ क्वेश्चन विच इज कम ऑन दिस। डाइजेशन अगेन कॉमन है टू सिलेंड्रेट्स एक्स्ट्रा एंड इंट्रा दोनों पे क्वेश्चन आया हुआ है। नाउ कम्स दी कैरेक्टरिस्टिक फीचर जिसमें नीट क्वेश्चन है बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी टू एमिट लाइट। ओके ये इन्हीं ऑर्गेनिजम्स में दिखता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बट ये जो क्लासिकल इसमें ही
ओनली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। इससे पहले जो दोनों फाइलम थे उसमें दोनों ऑप्शंस ओपन थे, ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल, बट इसमें ओनली सेक्शुअल मीन से होता है। सो हियर यू कैन सी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। बायोलुमिनेसेंस पे भी क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन, एक एक लाइन ही मेंशन है, बट हर एक लाइन में क्वेश्चन है। फर्टिलाइजेशन देखो, एक्सटर्नल, इससे पहले इंटरनल था, एंड इनडायरेक्ट वाला पॉइंट तो कॉमन है, ठीक है, एंड ओनली टू एग्जाम्पल्स आर देयर, सो दे विल एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर बोथ ऑफ देम, प्लूटोप्रेकिया टेनोप्लेना, आइदर डायरेक्ट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन नीट या फिर मैच द फॉलोइंग में इनका नाम जरूर आया हुआ है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की बात करें। ओके, सो दैट वॉज अबाउट तीनों फोरम। अगेन इजी वन बट मेनी क्वेश्चन। इसमें देखो अगर देखा जाए तो दो ही टेंटेकल्स है, ये बाहर वाले ये टेंटेकल्स, हाइड्रा में जैसे है 8 टेंटेकल्स, से यहाँ दो ही है। आगे बढ़ते हैं, प्लैटी हेलमिंथस। ओके, तो कॉमनली इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज दी फ्लैटोम्स, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली। दिस व्यू दे आर फ्लैट। ज़्यादातर ये पैरासाइट है, स्पेसिफिकली मेंशन है कौन से पैरासाइट है, एंडो। दूसरा टाइप क्या है, विच इज अदर टाइप ऑफ पैरासाइट, इट इज एक्टो पैरासाइट, राइट। एक्टो इज ऑन द सरफेस, इजी, मस्कीटो सरफेस पे ही बाइट करता है, अंदर नहीं जाता बॉडी के, बट दीज वर्म्स आर एंडो पैरासाइट, गो इन साइड द बॉडी। ओके, ह्यूमन बींग्स भी इनके होस्ट है। बायलैटरली सिमेट्रिकल पहली बार आया है, तो इसमें क्या होता है, दो तरीके के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डायरेक्ट पूछेंगे कि प्लैटीहेलमिंथस में कौन सा सिमेट्री है, या फिर पूछेंगे कि पहली बार बायलैटरल सिमेट्रिकल कहाँ मिले, तो प्लैटी, पहली बार ट्रिपलोब्लास्टिक कहाँ मिले, पहली बार एसिलोमेट किसको बोलोगे, एंड द फर्स्ट टाइम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सीन इन विच फाइलम। सो ये होते क्वेश्चन जो अलग तरीके से पूछने हैं तो अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, जस्ट लाइक दिस फर्स्ट सीन वेयर, सो वी नो इट इज सीन इन इट्स, इट इज स्टार्ट विद दैट फाइलम। एंड और अगर परेशान करना है तो दे गिव द एग्जाम्पल, लाइक टेन या दे से, एंड इट्स वॉट सिमेट्री इज सीन इन दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, इट इज सीन इन टेनिया, सो टेल इट इज विच फाइलम, लाइक दैट। सो इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस, तो हमको पहले फाइलम भी याद करना पड़ेगा और साथ साथ सिमेट्री भी याद करनी पड़ेगी, सो टाइम कंज्यूमिंग बेसिकली, उनको वही चाहिए रहता है, राइट। तुम्हारा टाइम कैसे वो वेस्ट करे, कौन, द पेपर फ्रेमिंग पीपल। हुक्स एंड सकर्स है, पैरासाइट है तो हुक्स एंड सकर्स होंगे, बिकॉज दे आर पैरासाइट है, न्यूट्रिएंट्स डायरेक्ट होस्ट से ले लेते हैं। नाउ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है इनके पास, जो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, सो स्पेशलाइज सेल्स आर दी फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मोरेगुलेशन में एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सो देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच हैज कम स्पेसिफिकली ऑन दी फ्लेम सेल्स। सेक्सेस अभी भी सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, लार्वल स्टेज वो भी बहुत सारे हैं। अब आता है नीट वाला क्वेश्चन, प्लेनेरिया इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्लैटी हेलमिंथस, क्या है इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, सो इट हैज़ पावर ऑफ रीजनरेशन। वट इज रीजनरेशन, अगर उसका कोई एक पार्ट ब्रेक हो गया तो पूरा का पूरा न्यू बन जाएगा, या फिर वो खुद एज एन ऑर्गेनिज्म कट इन टू पीसेस, इंडिविजुअल पीस हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट एंड फॉर्म अ न्यू प्लेनेरियन, सो दैट इज़ अ वेरी स्पेशलाइज फीचर, एंड इसीलिए इस पर क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो डायरेक्ट पूछा है कि विच इज़ द एग्जाम्पल विच शोज हाई रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ प्लैटी हेलमिंथस, तो वो तो ईजी है, और एक असर्शन रीजन टाइप हायर ऑर्डर की अगर बात करें तो दे हैव टॉक्ड अबाउट रीजनरेशन होता है इसमें, एंड एक जस्टिफिकेशन स्टेटमेंट दिया हुआ है, लाइक दैट इट इज ऑल्सो मैंशनड। सो जस्ट दे हैव दे आर एक्सपेक्टिंग कि यू शुड नो मोर अबाउट रीजनरेशन, तो क्या पता होना चाहिए कि उसको पीसेस में भी काट दो तो भी अगर काट दिया तो इंडिविजुअल पीस हैज़ द एबिलिटी टू रीजनरेट। ओके,
सो एग्जाम्पल्स क्या क्या है इसके? इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल्स आर टेनिया दैट इज टेपवर्म, फैसियोला दैट इज लिवर फ्लूक। ओके, सो दोनों क्या है यहीं पे याद रखो, बोथ आर डाइजेनेटिक और डाइजेनिक पैरासाइट। अब इसका मतलब क्या होता है? दे रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट साइकिल। सो फेसियोला रहने दो या टेनिया रहने दो, टेनिया में तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, प्राइमरी, और सेकेंडरी होस्ट है पिग। यहाँ यहाँ ह्यूमन एज सच नहीं है, इसका इसका मतलब फेसियोला का अगर बात करें तो प्राइमरी होस्ट इज शीप एंड सेकेंडरी इज अ स्नेल, जो सी शेल्स होते हैं उसकी बात हो रही है। सो सी अगेन, दिस इज एडिशनल, ये एडिशनल है। डायग्राम इम्पॉर्टेंट है, टेप वर्म और लिवर फ्लू का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सकर्स दिख रहे हैं। टेप वर्म बहुत बड़ा होता है, इट्स इन मीटर्स उसका लेंथ, एंड इट इज सीन इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, राइट? या स्केरी, आई नो। नेक्स्ट इज एस्केल्मेंथिस। एस्केल्मेंथिस आर दी कॉमनली कॉल्ड, सी कॉमन इजी क्वेश्चन भी आते हैं, इसका कॉमन नाम बताओ, राउंड वर्म्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट वन शोइंग ऑर्गन सिस्टम लेवल फॉर दी फर्स्ट टाइम। ओके, बायलैटरल सिमेट्रिकल तो हमने ऊपर भी देखे थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी देखे थे, और पहली बार, और ये इकलौते ही है जो सूडो सिलोमेट है। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विथ वेल डिफाइंड डैश मस्कुलर फैरिंग्स। ये हुआ अपना नीट का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या है? एक्सक्रीशन के लिए ट्यूब है विच रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर, और इसका शेप क्या होता है? इट इज एच शेप्ड ट्यूब, एच शेप होता है ट्यूब। ओके, ये एडिशनली सेक्सेस आर सेपरेट, फर्स्ट टाइम सेक्सेस आर सेपरेट डायोशियस, क्वेश्चन फर्स्ट टाइम कहाँ मिला इन एस्केल्मेंथिस। ओके, नाउ इमीडिएट डिटेलिंग क्वेश्चन, फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स। डायरेक्ट थियोरी पे भी क्वेश्चन है, डायग्राम पे भी क्वेश्चन है, राइट? फीमेल्स आर लॉन्गर, मेल्स आर शॉर्टर विद अ कर्व्ड एंड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, डेवलपमेंट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मे बी वाला कंसेप्ट आ गया। ओके, एग्जाम्पल्स तीनों पूछे गए हैं, राउंड वर्म, स्कैरिस, ओकेरिया, फिलेरियल वर्म, अंकाइलोस्टोमा, हुक वर्म। तीनों पे नीट में क्वेश्चन आया होगा। सो यू कैन सी वंस यू स्टार्ट रीडिंग एंड वंस आई एम शोइंग दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस हैव कम, ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू नो, फ्यू डोंट नो, दैट विल मेक यू मोर सीरियस टू रीड दिस एनसीईआरटी एंड टू टेक आउट मोस्ट ऑफ इट। ओके, सो दैट वॉज अबाउट एस्केल्मेंथिस। सो लेट्स मूव अहेड एंड सी द लास्ट फाइलम फॉर टूडे, दैट इज फाइलम एनेलिडा। ओके, सो फाइलम एनेलिडा, अगेन इसमें भी बहुत फर्स्ट फर्स्ट चीज़ें मिलने वाली हैं। सो दे कैन बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, समटाइम पैरासाइटिक। ओके, ऑर्गन सिस्टम पहली बार नहीं मिल रहा है, बायलैटरल भी पहली बार नहीं मिल रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड तो पहली बार है, एंड ये रहा अपना पहली बार आया हुआ टर्म, मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट। सेगमेंट से ऑल्सो कॉल्ड एज मेटामेर्स, इसीलिए द टर्म एनेलिडा। अब ये क्या होता है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये कहाँ से डिराइव्ड है, ये लैटिन वर्ड है। सो यू माइट थिंक इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़। प्रीवियस 10 ईयर्स के पहले बात करें तो ये पूछते हैं कि कौन से टर्म वर्ड से डिराइव हुआ है, बट दे विल मेक श्योर इट इज़ देयर इन एनसीईआरटी। सो सी, इट्स अ लैटिन वर्ड, एन्यूलस मीनिंग रिंग्स। ओके,
इनके पास लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। नाउ स्पेसिफिक चीज़ें आ रही है, लाइक व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट नेरिस, इनके पास है लैटरल अपेंडेजेस द पैरापोडिया। एमसीक्यू नीट वाला, स्विमिंग में हेल्प करेंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये हुआ इनका द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर हम इसकी बाद वाली फाइलम की बात करें तो इनके पास नहीं है, बट ओपन है, बट इनके पास है। तो ये हुआ बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, नेफ्रिडिया स्ट्रक्चर फॉर एक्सक्रीशन जो है, जो ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। दैट्स अ क्वेश्चन विच इज़ कम इन नीट। पेड गैंग्लिया दिखना स्टार्ट हो गया, पहले पहले कैसे थे, थोड़े नर्व सेल दिखेंगे अगर हम डिटेल में जाए तो, बट प्रॉपर पेड गैंग्लिया एंड ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इन्हीं में दिखा गया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ दिया हुआ है, दिस लाइन नेरिस डायोशियस है बट अर्थो मैन लीचेस मोनोशियस है, रिप्रोडक्शन सेक्शुअल है। एज इट इज लाइन पे क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोशियस विच इज मोनोशियस लाइक दैट। ओके दैट इम्पॉर्टेंट इट इज। एंड लास्ट इज वील कंक्लूड विथ वर्ड एग्जाम्पल्स, नेरिस पेरिटिमा दैट इज अर्थो, हिरुडिनारिया दैट इज द ब्लड सकी। ओके सो होप यू हैव सीन दैट हाउ इम्पॉर्टेंट एन सी आर टी इज एंड वाई वी शुड रीड इट लाइन बाई लाइन एटलीस्ट टिल दी नीट एग्जाम। आई एम सेइंग एटलीस्ट इट शुड बी रेड बाई यू बाई 3 to 4 times। ओके दैट इम्पॉर्टेंट इट इज। सो होप यू लाइक दिस सेशन। इफ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ओके The link is given in the description. Even on Telegram, you can connect with me. So, take care.